जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक पुलिस चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन डिक्लेरेशन आखिर क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होते हैं, किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसे लिखते हैं, इसे काम क्या होता है, इसे कहाँ यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, बिना किसी समय बर्बाद ही के आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ हम फंक्शन डेफिनेशन के अंदर करते हैं, जिससे काम होता है कि जहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया है उधर एक वैल्यू को रिटर्न करना, यानी कि जहाँ से फंक्शन कॉलिंग होगी वहाँ पर एक वैल्यू को रिटर्न करना। कहाँ से रिटर्न करना? फंक्शन डेफिनेशन से एक वैल्यू को रिटर्न करना। सो द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज इन अ फंक्शन टू रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। दोस्तों, रिटर्न स्टेटमेंट को आप कहीं भी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिख सकते हैं और कितनी बार भी आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी रिटर्न स्टेटमेंट पहले आएगी, सबसे पहले वही एग्जीक्यूट होगी और बाकी जितनी भी स्टेटमेंट या रिटर्न स्टेटमेंट उसके बाद लिखी होंगी वह टर्मिनेट हो जाएंगी, यानी कि वह एग्जीक्यूट नहीं होंगी। दोस्तों, रिटर्न स्टेटमेंट कितनी बार भी लिखने के अलावा आप रिटर्न स्टेटमेंट को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक, आप अपने फंक्शन की कॉलिंग को या फंक्शन की डेफिनेशन को या फंक्शन के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कराने के लिए, यानी कि टर्मिनेट करने के लिए। एक, आप फंक्शन डेफिनेशन के थ्रू फंक्शन कॉलिंग पर एक वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। तो इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स भी आपका दो तरीके का होगा। एक होगा आपका सिंटेक्स रिटर्न टर्मिनेशन यानी कि सेमी कॉलन, और एक होगा आपका रिटर्न एक्सप्रेशन। ये दोनों इसके सिंटेक्स आप मान लीजिएगा। ये पहला वाला जो रिटर्न सिंटेक्स लिखा हुआ है इसके साथ एक्सप्रेशन नहीं है, यानी कि यह आपका यूज होगा फंक्शन के फ्लो को, फंक्शन के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए, यानी कि टर्मिनेट करने के लिए। और जो आपका ये रिटर्न एक्सप्रेशन वाला सिंटेक्स है, यह यूज होता है आपका एक फंक्शन डेफिनेशन से फंक्शन कॉलिंग तक एक वैल्यू रिटर्न करने के लिए। यानी कि ऊपर वाले सिंटेक्स में जिसमें एक्सप्रेशन नहीं है उसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, और नीचे वाला स्टेटमेंट जिसमें आपका एक्सप्रेशन रिटर्न के साथ है उसमें आपकी एक वैल्यू रिटर्न होगी कॉलिंग फंक्शन पर। दोस्तों, एक बात और, रिटर्न जो है वह आपका एक कीवर्ड है जो हमेशा स्मॉल कैरेक्टर में लिखा जाता है, जो आपके 32 कीवर्ड्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे उनमें से एक है। दोस्तों, जो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू जो वैल्यू आपकी रिटर्न होगी वह आपकी कोई कॉन्स्टेंट हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, एक्सप्रेशन हो सकती है, या फिर कोई अदर फंक्शन कॉल भी हो सकता है। यानी कि आप लिख सकते हैं रिटर्न और एक्सप्रेशन पर एक कॉन्स्टेंट, यानी कि वन भी लिख सकते हैं, टू भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं रिटर्न एक वेरिएबल के साथ भी लिख सकते हैं एक्स, ठीक है। आप लिख सकते हैं रिटर्न एक ऑपरेशन एक्स प्लस प्लस। आप यह भी लिख सकते हैं रिटर्न एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिटर्न 3 प्लस 2। दोस्तों, ये सभी वैलिड हैं और ये कंपलसरी नहीं है कि आप पैरेंथेसिस लगाएं, आप चाहें तो बिना पैरेंथेसिस के भी इसको लिख सकते हैं। बस रिटर्न और एक्सप्रेशन के बीच में एक स्पेस आपको हमेशा लिखना है। दोस्तों, आपका रिटर्न स्टेटमेंट एक बार में एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, यानी कि आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि रिटर्न ए कॉमा बी कॉमा सी। आप सोच रहे हो कि एक ही वैल्यू भी रिटर्न करे, बी की भी करेगा, सी की भी करेगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने कॉमा ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है। तो आपका राइट मोस्ट जो वेरिएबल होगा या जो वैल्यू होगी उसको वह रिटर्न करेगा, यानी कि सी की वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। दोस्तों, अगर कोई फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसका जो डिक्लेरेशन है या फिर उसका जो डेफिनेशन है वह वॉइड है, यानी कि वॉइड कोई भी फंक्शन नहीं उसके पैरेंथेसिस या उसके आर्ग्यूमेंट्स। अगर ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है डिक्लेरेशन या यह डेफिनेशन void में लिखी गई है। दोस्तों, अगर आपका जो रिटर्न टाइप है वह भी void नहीं है और फंक्शन जो भी नेम है आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसके लिखने के बाद अगर इसके बाद भी आपने फंक्शन डेफिनेशन में रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करा है तो बाई डिफ़ॉल्ट आपके कॉलिंग पर एक गार्बेज वैल्यू पहुँच जाएगी। कभी कभी यह एक एरर या फिर एक वार्निंग शो कर देता है, यानी कि कंपाइलर आपका एरर या फिर एक वार्निंग शो करता है। दोस्तों, अगर सपोज किसी आपके पास फंक्शन कॉलिंग होगी या आपके एक फंक्शन की और आपके पास इंटीजर टाइप का एक डेफिनेशन है फंक्शन की, तो इंट फंक्शन नेम और आपके पास दो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है इंट ए इंट बी, और इसकी डेफिनेशन आपने लिखी हुई है इंट सी, आपने एक लोकल वेरिएबल लिया हुआ है,
सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, और रिटर्न किया आपने सी को, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है तो यह है एक वैल्यू रिटर्न करेगा, तो आपने इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ किया, क्योंकि रिटर्न के साथ आपने एक्सप्रेशन का भी यूज़ किया है तो ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न कहाँ करेगा, जहाँ भी आपका फंक्शन कॉल हुआ है, यानी कि मेन फंक्शन या फिर जिस भी फंक्शन के अंदर आपने फंक्शन को कॉल किया है वहाँ आपकी वैल्यू रिटर्न होगी। तो फंक्शन कॉल ही आपकी इस तरीके से होगी, आपका लिखा होगा फंक्शन नेम और जो भी आपने आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ, जब सपोज ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 6, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन हो जाएगा सी इज इक्वल टू 5 प्लस 6, तो 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, तो सी की वैल्यू रिटर्न हो रही है क्योंकि सी की वैल्यू 11 है तो रिटर्न होगा 11। तो फंक्शन को जो भी वेरिएबल, फंक्शन कॉल को जो भी वेरिएबल होल्ड कर रहा होगा सपोज इज डी, तो डी के अंदर 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आशा करता हूँ आपको रिटर्न स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बेहिचक इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको दी हुई है, आप चाहें तो वहाँ मुझे फॉलो करके वहाँ मुझे मैसेज पे बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है इसे समझाने में तो आप मुझे वह भी बता सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।